हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अपने घर में। और मैं भी, नीता, मैं भी अच्छे से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए फिर, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक वॉच करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ जो हूँ, जो यहाँ पे मनाली का और मनाली और लाहौल स्पीति को जो जोड़ने वाला जो टनल है उसकी बात करने जा रही हूँ, उसके बारे में। और हम लोग जो थे यहीं बस उसको देखने गए थे, तो उसके ये आसपास का एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल जैसा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा अवेसम है। ये देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आ रखे थे घूमने के लिए। और ये ब्रिज जो है अभी बना है, तो नदी देखिए इसका पानी कितना ही ख़राब है, मतलब कितनी ज़्यादा ख़राब वाटर है इसका, देख सकते हो आप लोग। और बहाव जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है इसका, ये थोड़ा सा दूर से देखने में ऐसे लग रही है जैसे स्लो चल रही हो, बट बहुत तेज़ बहाव है और बहुत ज़्यादा गहरी है नदी। और यहाँ से अगर गिर जाए कोई नीचे ना, तो मतलब नदी में फिर मिलने के चांसेस कम ही हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हवा कितनी ज़्यादा चल रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ, यहाँ पे वीडियो को शूट करना बहुत ही टफ था, बट फिर भी मैंने चलो थोड़ा सा शूट किया है, जो जितना भी शूट किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स बिना सोचे समझे वीडियो को कर दो लाइक, फिर तो एक लाइक बनता ही है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। और ये देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। सो खड़ा नहीं हो जा रहा था, मतलब आइस में जो यहाँ से है ना, रेत रेत जा रही थी, काफ़ी टफ था शूट करना, बट बस थोड़ा सा क्लिप में शूट कर पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। यहाँ की ये ब्यूटी है, ये ऐसा दिखता है, यहाँ केलोंग बाईपास बोलते हैं इसको, और जो इस जगह का नाम है चंद्रा ब्रिज है। तो हम लोगों ने जो है इस टनल को क्रॉस कर लिया है, ये टनल है आई थिंक सो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट लॉन्ग टनल है, ये है 9.5 किलोमीटर तक का होगा ये। और इसको बनाने का जो समय है वो लगा है 10 ईयर लग गए हैं इसको बनाने के लिए, 10 किलोमीटर के टनल को। तो फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वर्ल्ड इसका इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ये हाईवे का। और ये देख सकते हो यहाँ पे आप लोग इस टाइप का यहाँ का कुछ व्यू है। और हवा देख सकते हो आप लोग, बहुत टफ था पुल को क्रॉस करना, तो काफ़ी मुश्किल से हमने जो है क्रॉस किया है एक साइड से दूसरी साइड को। तो फ्रेंड्स हम लोग जो थे ये वाले पुल को, चंद्रा ब्रिज पुल बोलते हैं इसको, इसको क्रॉस करके जो है दूसरे छोर पे पहुंच चुके थे। और यहाँ से मैं आप दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है ब्रिज, और ये ब्रिज का कुछ आसपास का एरिया है यहाँ का। और एक साइड से आपको रोड दिख रहा होगा, दूसरी साइड से ये है टनल, क्योंकि रोड नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये टनल है। यहाँ से जो है गाड़ियाँ आ जा रही हैं यहीं से, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, तो 10 किलोमीटर अंदर ही अंदर चल के दूसरे छोर पे निकल रही हैं, वो है मनाली का एरिया, मनाली के एरिया में। तो हमें भी लगा कि हमें भी देखना चाहिए, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। बस हम लोग जो थे यहाँ पे घूम के आ चुके थे वापस, और फिर हम लोगों को जो था इसी टनल से वापस जाना था। सो बस यहीं से हम लोग वापस जा रहे थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, हमेशा की तरह ही। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।